दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं शिवानी कोटनाला और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाए आपके शहर की हर खबर आप तक। कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। राजधानी में कोरोना को लेकर सरकार अब हरकत में आ गई है। दिवाली के बाद यकायक आंकड़ों में आए उछाल के बाद आपातकालीन बैठक भी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रखी गई थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बड़े फैसलों की ओर इशारा किया है। राजधानी में लॉकडाउन की स्थिति पर अभी भी कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह तय है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद कुछ बड़े एक्शन राजधानी में देखने को मिल सकते हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के आंकड़ों के बाद एकाएक प्रशासन एक्शन में आ गया है। कल देर रात को लिए गए फैसले के बाद आज सुबह से ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम कोविड 19 चेकिंग लगा दी गई है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों को अब कोविड 19 की चेकिंग बॉर्डर पर ही करवानी होगी। डीएनडी फ्लाईओवर की ताजा तस्वीरों के मुताबिक संदिग्ध वाहन चालकों को रोककर उनकी कोरोना जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें दिल्ली दस्तक के साथ। धन्यवाद।